वेलकम टू द जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी चैनल। इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन बॉक्स में आती रहे नीट स्टडी मटेरियल से रिलेटेड। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में। एनसीईआरटी के अंदर सिर्फ बहुत कम दिया हुआ है, लेकिन जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है हम इसको नीट परस्पेक्टिव के हिसाब से तैयार करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी का एक एक वर्ड बहुत कीमती है। और भी डिटेल में हम जानेंगे आगे आने वाली वीडियोस में, बट इसमें सिर्फ एनसीईआरटी के अंदर जितना दिया हुआ है उतना हम समझेंगे नीट के लिए मोर देन इनफ है। तो शुरू करते हैं। इन लिविंग सेल्स सच एज इकोलाई द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन रिक्वायर्स ए सेट ऑफ कैटालिस्ट एंजाइम्स। ठीक है, रेप्लिकेशन में बहुत सारे एंजाइम चाहिए। ठीक है, द मेन एंजाइम इज रेफर्ड टू एज डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। अब देखो, डीएनए पॉलीमरेज विल कैटालाइज द पॉलीमराइजेशन ऑफ डीएनए। ठीक है, तो डीएनए डिपेंडेंट मतलब इसको डीएनए की हेल्प चाहिए। डीएनए स्ट्रैंड जो ऑलरेडी है उस स्ट्रैंड के रेफरेंस में नई स्ट्रैंड बनाएगा, सिंस इट यूजेस डीएनए टेम्पलेट टू कैटालाइज द पॉलीमराइजेशन ऑफ डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स। टेम्पलेट को आधार मान के ही नई स्ट्रैंड को बनाएगा। तो दीज एंजाइम्स आर हाईली एफिशिएंट एंजाइम्स एज दे हैव टू कैटालाइज पॉलीमराइजेशन ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। बहुत कम समय में इनको बहुत बड़े बड़े पॉलीमर डीएनए के बनाने पड़ते हैं विद हाई एक्यूरेसी। अगर ये एक्यूरेसी के साथ नहीं बनाएंगे तो भैया म्यूटेशन बहुत फास्ट हो जाएगी, ऑर्गेनिज्म स्टेबल नहीं रह पाएंगे। तुरंत में बंदर, बंदर से इंसान, इंसान से बंदर, इंसान से, तो इस तरीके से इंटरचेंजिंग हो जाएगी अगर बहुत फास्ट रेप्लिकेशन हो गया तो एक्यूरेसी का भी ध्यान रखना है। द ई कोलाई दैट हैज ओनली 4.6 × 10⁻⁶ बेस पेयर, कंपेयर इट विद ह्यूमन होज डिप्लॉयड कंटेंट इज 6.6 × 10⁻⁹ बेस पेयर। डिप्लॉयड क्या रहा, हैप्लॉयड एक बार क्वेश्चन आ गया था, तो हैप्लॉयड अमाउंट ऑफ डीएनए ह्यूमन तो उसमें हो गया था 3.3 × 10⁹ बेस पेयर। ध्यान रखना ये 6.6 इज डिप्लॉयड कंटेंट, एक बार नीट में क्वेश्चन कंफ्यूजिंग आ चुका है हैप्लॉयड कंटेंट देके, बच्चों ने काफ़ी क्वेश्चन काफ़ी बच्चों ने गलत कर दिया था, तो ये ध्यान रखना है। तो कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन विद इन 18 मिनट्स। देखो एनसीईआरटी को 18 मिनट कह रही है, कुछ बुक्स में 20 मिनट है, तो हम एनसीईआरटी का मान के चलेंगे। दैट मीन्स द एवरेज रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन एज टू बी अप्रॉक्सीमेटली 2000 बेस पेयर पर सेकेंड। ठीक है जी, 2000 बेस पेयर पर सेकेंड के आसपास जुड़ने चाहिए, तब जाके उतनी सिंथेसिस हो पाएगी। नॉट ओनली डू दीज पॉलीमरेजेस हैव टू बी फास्ट, इनको फास्ट ही नहीं होना है, बल्कि दे ऑल्सो हैव टू कैटालाइज द रिएक्शन विद हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। इनको एक्यूरेसी चाहिए ताकि एक्यूरेट सिंथेसिस हो। तो एनी मिस्टेक ड्यूरिंग रेप्लिकेशन वुड रिजल्ट इन टू म्यूटेशंस। ठीक है जी, रेप्लिकेशन में अगर कोई दिक्कत हुई सीधा म्यूटेशन हो जानी है। तो फर्दर मोर एनर्जेटिकली रेप्लिकेशन इज ए वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस। ठीक है, तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स सर्व डुअल पर्पसेस। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, डुअल पर्पस कौन कौन से हैं? तो इन एडिशन टू एक्टिंग एज ए सबस्ट्रेट दे ऑल्सो प्रोवाइड एनर्जी फॉर पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। ठीक है, द टू टर्मिनल फॉस्फेट्स इन डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स आर हाई एनर्जी फॉस्फेट्स सेम एज इन केस ऑफ एटीपी। तो इसके जो दो फॉस्फेट हैं ट्राई में से, तीन में से दो आपके एनर्जी में यूज हो जाएंगे, इसके डुअल फंक्शन है। एक तो ये सबस्ट्रेट एक्ट करेगा एज वेल एज एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो इन एडिशन टू डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेजेस मैनी एडिशनल एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन विद हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज के अलावा और बहुत सारे एंजाइम चाहिए। हेलिकेज वगैरह होता है, डीएनए लाइगेज होता है, अभी नीचे आएगा सब। फॉर लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल सिंस द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए कैन नॉट बी सेपरेटेड इन इट्स एंटायर लेंथ। अब देखो, जो डीएनए है वो पूरा नहीं खुलेगा, थोड़े से रीजन में खुलेगा ड्यू टू वेरी हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट। अगर पूरे स्ट्रैंड को खोलने के लिए
बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए वो कहाँ से आएगी? तो रेप्लिकेशन अकर्स विद इन ए स्मॉल ओपनिंग ऑफ द डीएनए हेलिक्स रेफर टू एज रेप्लिकेशन फॉर्क द डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कैटालाइज पॉलीमराइजेशन ओनली इन वन डायरेक्शन दैट इज 5' to 3'। अब तुम्हें ये ध्यान रखना है कि डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेजेस सिर्फ एक ही डायरेक्शन में करते हैं दैट इज 5' to 3'। दिस क्रिएट्स सम एडिशनल कॉम्प्लिकेशंस एट द रेप्लिकेटिंग फॉर्क। ठीक है जी, ये हो गया। तो डायरेक्शन ध्यान रख लो, इस पर क्वेश्चन आ सकता है, तो तुम्हें डायरेक्शन ध्यान रखनी है। दिस क्रिएट सम एडिशनल कॉम्प्लिकेशंस एट द रेप्लिकेशन फॉर्क कंसिक्वेंटली ऑन वन स्ट्रैंड। देखो द टेम्पलेट विद पोलारिटी 3' to 5', जिसपे 3 से 5 होगा द रेप्लिकेशन इज कंटिन्यूअस, और जिसपे तुम्हारा 5 से 3 होगा डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस किससे जुड़ेंगे? डीएनए लाइगेज से, इसको बोलते हैं हम लैगिंग स्ट्रैंड। नीचे डायग्राम देख लेते हैं। ये देखो भैया 3 से 5 कंटिन्यूअस, डायरेक्शन क्या है 5 to 3 सिंथेसिस की, और ये हो गया 5 से 3, 5 से 3 क्या है डिसकंटिन्यू, को बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। तो इनका नाम भी ध्यान रखना है क्योंकि ये डिसकंटिन्यू सिंथेसिस है। ये न्यूली सिंथेसाइज, ये रेड वाले, ये ब्लू वाले पुराने हैं। तो डीएनए पॉलीमरेजेस ऑन देयर ऑन कैन नॉट इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन, ऑल्सो रेप्लिकेशन डज नॉट इनिशिएट रेंडमली एट एनी प्लेस इन डीएनए। इनको ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे ही ये इनिशिएट होंगे। तो ये देखो कि आप डीएनए बायोटेक्नोलॉजी वाला जो चैप्टर है उसमें देखोगे कि क्लोनिंग वैक्टर्स होते हैं, उनके पास भी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है। ये बात कही गई है इन यूकेरियोट द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए किस में होता है, एस फेस में, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ए फेलियर इन सेल डिवीजन आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन रिजल्ट्स इनटू पॉलीप्लॉइडी क्रोमोसोमल एनोमली, ये भी हम देखेंगे डिटेल में। तो ये था डीएनए रेप्लिकेशन का, बहुत ही छोटा दिया हुआ है एनसीईआरटी में, लेकिन जितना दिया हुआ है उतना कर लें तो आपका बहुत ही अच्छे से ये टॉपिक तैयार हो जाएगा। इसके साथ ही डीएनए रेप्लिकेशन वाला ख़त्म होता है।